तो फ्रेंड्स आज मुझे फिर से डोनट्स का ऑर्डर आया है। पता नहीं लोगों को डोनट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और ये मेरा डो बन चुका है, प्रूफ हो चुका है और इसकी एयर निकाल के हमने इसको नीड भी कर लिया है और मैंने अब इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करके अब मैं इसे रोल कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर डो को रोल करोगे ना तो आपको बार बार डो को उठाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे गोल गोल बेलना होता है, मतलब कि इसको घुमा घुमा के। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर सिलिकॉन मैट ले लिया है और मैं सिलिकॉन मैट को बार बार घुमा रही हूँ जिससे मुझे आसानी हो रही है, मुझे बार बार डो को नहीं उठाना पड़ रहा है। इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम डो को बेलते हैं, रोल आउट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम रोल आउट करते हैं ना उसी डायरेक्शन में कट करने के बाद वो सिकुड़ता है। जैसे मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं ऐसे लंबा लंबा बेल रही हूँ और अब आप देखिएगा कि जब मैं इसको ग्लास से गोल कट करूँगी तो उसका कट करने के बाद जो शेप है वो गोल ना होकर ओवल हो जाएगा क्योंकि मैंने जिस डायरेक्शन में उसे बेला था तो उसी डायरेक्शन में मेरा डोनट सिकुड़ गया है और गोल ना बनके वो ओवल बना है। तो यही कारण है कि हमें डो को चारों तरफ घुमाते हुए बेलना चाहिए ताकि जब हम अपने डोनट्स बनाएं तो उनका शेप प्रॉपर गोल बने, आड़ा टेढ़ा ना बने। और गोल गोल करने में भी आपको ये ध्यान देना है कि कहीं कहीं से आप ज़्यादा बेल लेते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कहीं कहीं से ज़्यादा बेल लेते हैं ना तो वहाँ वहाँ के डोनट्स फिर उसी डायरेक्शन में सिकुड़ते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा पहला डोनट थोड़ा सा माइनर सा ओवल हुआ है, बाकी गोल आ रहा है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर सही से नहीं बेला होगा। और अब ये मैंने अपनी नोजल्स ले लिए हैं बीच में से होल करने के लिए। आप कोई और भी जुगाड़ कर सकते हैं अगर आपके पास नोजल्स ना हो तो। हमारे डोनट बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी, स्पॉन्जी, इतने मॉइस्ट और इतने स्वादिष्ट बनकर रेडी होते हैं, मैं बता नहीं सकती। हमेशा क्लाइंट की रिव्यूज़ मेरे डोनट के बहुत अच्छे आते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है ना, इसकी जो नीडिंग है ना वो बहुत अच्छे से करनी होती है। जितनी प्रॉपर हमारी नीडिंग होगी ना उतने ही फ्लफी सॉफ्ट हमारे डोनट्स बनते हैं, बिल्कुल मुँह में घुलने वाले। और इसमें क्या करना है, जब हम तल रहे होते हैं ना तो तलते समय, मतलब फ्राई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि तेल हमारा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना तो बहुत कम गर्म हो, इतना हो कि जैसे ये बबल्स उठ रहे हैं ना तो ये बबल्स उठने चाहिए, इतना हमारा तेल गर्म होना चाहिए। तो सिर्फ इन दो बातों का हमें ध्यान देना है। और आप देख रहे होंगे किसी किसी डोनट में ऊपर से थोड़ा सा फूल रहा है, जैसे कि पिंपल निकल रहा है। ये किस वजह से होता है ना, जब हम डोनट कट करके रखते हैं ना तो अगर हम उसको कवर नहीं करते हैं ना तो ऊपर की एक लेयर हल्की सी सूख जाती है जिसकी वजह से जब हम उसको तलते हैं तो ऐसे पिंपल जैसे निकल आते हैं। तो उसे हमें सूख ही नहीं देना चाहिए, इसके लिए हमें किसी टॉवल से उसे, मतलब किचन टॉवल से या नैपकिन से उसे कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर प्रॉपर रहे। और अब हम इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं, इन फिलिंग की वजह से ही मेरे डोनट इतने सेल होते हैं, इतना मतलब यम्मी, इतना टेस्टी लगता है। मैंने कुछ डोनट्स में वाइट चॉकलेट का गनाश बना के फिलिंग किया है और कुछ डोनट्स में डार्क चॉकलेट का गनाश बनाकर फिलिंग किया है। और ऊपर से फिर मैं गनाश नहीं लगाऊंगी डेकोरेशन के लिए, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करके उनको डिप करूंगी और डिप करने के बाद उनके ऊपर डेकोरेशन पार्ट आपको जो भी जैसा भी करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ना लेकर मिल्क चॉकलेट लिया है, आप डार्क भी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन के लिए टेडी बियर लगाए हैं और थोड़े से स्प्रिंकल्स लगाए हैं। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मैं लिंक भी दे रही हूँ, मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें डिटेल्ड रेसिपी के साथ डिटेल्ड नीडिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई है। तो वो वाला मेरा डोनट का वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आप बहुत अच्छे डोनट बनाना चाहते हैं तो। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आगे आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगी। अभी तक तो मैं सारे कमेंट्स जितने भी आते हैं सबके ही मैं आंसर देती हूँ, तो आगे का मुझे पता नहीं है बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा ही लाइफ टाइम सबका आंसर करती रहूँ। और अब मैं आपको इसकी सिंगल पैकेजिंग दिखाऊँगी। सिंगल पैकेजिंग में इतने सुपर्ब लगते हैं ना ये, और आप कभी भी कहीं पर भी, मतलब बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये रिटर्न गिफ्ट के पर्पज़ से बनवाए गए थे, बताइए आपको कैसे लगे।